कहते जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। जो भी जीवन है, जो भी समय आपके पास, उसमें कुछ ऐसा कर जाइए कि आने वाली पीढ़ियां क्या रहे, आपको याद करें, आपकी उपलब्धियों को बार बार बात चले उसमें, आपकी उपलब्धियों को गुणगान हो। तो चलिए हम बात करेंगे आज राजा राम मोहन राय जी के बारे में। अच्छा, सबसे पहले क्वेश्चन इसमें ये बनता है, ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप जितना भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देंगे मॉडर्न हिस्ट्री से जो बनने वाले क्वेश्चन, वैसे तो मॉडर्न हिस्ट्री से यानी आधुनिक भारत का इतिहास जो है उसमें जो हम पढ़ते हैं वो 1857 से इफेक्टिव रूप से पढ़ते हैं, लेकिन चूंकि ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो मैंने सोचा कि मैं आधुनिक भारत यहीं से शुरुआत करूंगा। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे इसके बाद देखे जाएंगे। तो हम बात करेंगे राजा राम मोहन राय जी के बारे में और इनके, इन्हीं से हम आधुनिक भारत का इतिहास शुरू करेंगे। तो इनको सबसे पहले ये जानिए कि इनको भारत में जो है धार्मिक और सामाजिक जो सुधार होता है उसका अग्रदूत कहा जाता है। तो क्वेश्चन बनता है कि भारत, आधुनिक भारत के जो सामाजिक और राजनीतिक सुधार के अग्रदूत किसको कहा जाता है, तो कौन रहेगा, राजा राम मोहन राय कहलाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो युग पुरुष हैं, जो महान पुरुष हुए राजा राम मोहन राय जी, इनके जन्म के बारे में हमें जानना बनता है। देखिए, जो इनका जन्म वर्ष है 22 मई 1772 में हुआ, और पता है कि ये कितने इच्छुक थे, इन्होंने जो है कई भाषाओं, इनके पास कई भाषाओं का नॉलेज था, जिसमें से करीब इन्होंने आप 15-16 साल तक इन्होंने वेद उपनिषद तक की जानकारी हासिल कर ली थी। इसके बेसिस पर ये क्या थे, जो मूर्ति पूजा होती है उसके आलोचक थे, यानी मूर्ति पूजा के आलोचक कौन थे, राजा राम मोहन राय जी थे। तो ऐसे ही करके ये क्या करते हैं बहुत से, अच्छा इनका, अच्छा इनकी ये जानिए कि ये क्या थे, पश्चिमी प्रभाव से बहुत ही प्रभावित थे, क्योंकि वहाँ पर वो देखते थे कि वहाँ पर जो धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, कर्मकांड होते हैं, पुरोहित वगैरह, ये सब चीज़ें इन पर ये विश्वास नहीं करते थे, उन सब जो पश्चिमी देश में ऐसा सब कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे इनकी उपलब्धियाँ। देखिए, सबसे पहली उपलब्धि इनकी है 1815 में आत्मीय सभा की क्या करते हैं, स्थापना करते हैं। तो पेपर वगैरह में आ जाता है कि आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया, तो आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया, राजा राम मोहन राय जी ने किया। और कब किया, याद रखिएगा दोस्तों, 1815 में। अब क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं कि अलग अलग सभाओं के, अलग अलग संस्थाओं के दे देंगे, उसमें से कहेंगे कि जो मिलान करिए, उचित मिलान करिए, तो आपको सन भी याद रखना है और जो ये जिसकी स्थापना किया वो भी आपको याद रखना है। तो हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, राजा राम मोहन राय जी के बारे में। और इनका जो पहली उपलब्धि क्या है, ये इन्होंने किस सभा की स्थापना की, आत्मीय सभा की स्थापना की, कब किया, 1815 में। और क्या करते हैं दोस्तों, ये आगे चलकर फिर एक और संस्था का स्थापना करते हैं, वो क्या कहलाती है, यूनिटेरियन एसोसिएशन करके कहलाता है। उसकी स्थापना कब होती है, 1821 में किया जाता है, किसके द्वारा, राजा राम मोहन राय जी के द्वारा। अगला सॉरी, हम आगे बढ़ेंगे, वेदांत कॉलेज देख लीजिए। जब बात होने लगी भारत में हिंदू कॉलेज की, तो वहाँ पर नहीं मिला था, तो उसी रिलेटेड उन्होंने बहुत से सर्च रिसर्च किए, तो उससे मिलकर क्या हुआ, एक ब्रिटिश अधिकारी थे उनके साथ मिलकर इन्होंने एक वेदांत कॉलेज की स्थापना की। अच्छा, ये कहाँ, ये कॉलेज कहाँ पर है, ये कलकत्ता में इसका स्थापना इन्होंने किया। कब किया, वेदांत कॉलेज की स्थापना कब किया, 1825 में किया, कहाँ किया, कलकत्ता में किया। ठीक है, अच्छा जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के जितने भी मैक्सिमम पेपर्स होते हैं उसमें आने वाला, 1828 में किसकी स्थापना किया, देखिए ब्रह्म समाज, वैसे जब शुरुआती दौर में इनका, जब 1828 में इनका स्थापना किया था, तो ये ब्रह्म सभा के नाम से जाना जाता था, किसके नाम से, ब्रह्म सभा, लेकिन इसका नाम बदलकर ब्रह्म समाज कब किया गया, 1830 में। लेकिन हम इसको पढ़ते हैं कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब, तो आप 1828 ही लगाएंगे। सबसे जो बेहद ही जो स्त्रियों का बहुत ही क्या था उस समय, क्या था, समाज में बहुत ही दयनीय स्थिति थी, अभी भी सुधार हुए हैं लेकिन जिस स्तर पर होने चाहिए वो नहीं हुए हैं, उनकी क्या है स्थिति समाज में चिंताजनक है। तो उससे रिलेटेड इन्होंने क्या किया, सबसे पहले जो सती प्रथा का अंत था उसके बारे में जो पहल किया, कोशिश किया, किसने किया, 1829 में राजा राम मोहन राय जी ने किया। और किसके साथ मिलकर किया है, ये अंग्रेजी थे, अंग्रेज थे, वो कौन थे, लॉर्ड विलियम बैटिंग करके थे, मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, लॉर्ड विलियम बैटिंग करके थे,
इनकी मदद से क्या किया, इन्होंने जो सती प्रथा का अंत किया। कब किया? 1829 में किया। अच्छा, इन्होंने तीन पत्रिकाएं, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि वो तीन पत्रिकाएं, मतलब तीन पत्रिकाएं डायरेक्ट नहीं पूछा जाता है, बस ऐसे आ जाएगा कि संवाद कौमदी, ब्राह्मणवादी पत्रिका या मिरात उल अकबर। ये देखिए, ये दोनों को पेपर जो पत्रिकाएं हैं ये पेपर में बहुत आता है, तो इनको आपको याद रखना है। ब्राह्मणवादी पत्रिका ये 1821 में, संवाद कौमदी जो है 1821 में। देखिए, ये बंगाली भाषा में था, आपको ध्यान रखना है किस भाषा में है, बंगाली भाषा में है। और मिरातुल अकबर करके या अखबार करके था, तो ये किस भाषा में है, ये फारसी भाषा में है, आपको ध्यान रखना, पेपर्स में ये पूछा जाता है तो आपको ध्यान रखना है। तो संवाद कौमदी या मिरातुल अकबर, ये दोनों किससे संबंधित थे, ये दोनों संबंधित थे राजा राममोहन राय जी से। ठीक है, तो और इनके बारे में कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। देखिए, 1930 में इनको राजा की उपाधि, राजा की उपाधि क्यों मिलती है? अच्छा, ये क्या करते हैं ना, देखिए जो अकबर सेकंड थे, तो उस समय देखिए अकबर सेकंड जो है ना, जो आप मुगल साम्राज्य पढ़ते हैं, उसकी स्थापना किसने किया? बाबर ने। कब किया? 1926 में। किसको हरा के किया? इब्राहिम लोदी को हरा करके। तो उसमें जो मुगल साम्राज्य की स्थापना, उसमें 19वें नंबर के जो थे ये कौन थे? अकबर सेकंड थे। तो उस समय हुआ जब अंग्रेजी शासन था, तो उसमें जितने भी वहां पर शासक थे दिल्ली में, उनको क्या रहता था, भत्ता मिलता था। तो इनके भत्ते के लिए या इनके पेंशन के लिए, भत्ता नहीं बोलेंगे, पेंशन बोलेंगे, तो इनके पेंशन के लिए क्या करते हैं, ये कहाँ तक चले जाते हैं, लंदन तक चले जाते हैं, इनकी पेंशन जो रुकी हुई थी वापस चालू कराने के लिए। तो उसी को देखकर, इतना बड़ा संघर्ष देखकर, अकबर सेकंड क्या करते हैं, राजा राममोहन राय जी को राजा की उपाधि देते हैं, तभी से ये राजा राममोहन राय कहलाने लगे। यानी राजा कौन है? राजा वो नहीं है जिसके पास पैसे हैं, धनी है, वो सब कुछ है। राजा वो है जो हर गरीब के हक को क्या करता है, दिलाता है, वो राजा होता है, असली राजा होता है। तो अकबर सेकंड द्वारा, अब पेपर में क्वेश्चन क्या बनेगा कि राजा की उपाधि राजा राममोहन राय जी को राजा की उपाधि किसने दिया? तो राजा की उपाधि किसने दिया? अकबर सेकंड ने। कब दिया? 1930 में दिया। क्यों दिया? क्योंकि इन्होंने क्या किया, दरिया दिल दिखाया, इन्होंने बड़ा दिल दिखाकर उनके लिए संघर्ष जो किया, वो उस वजह से उन्होंने उनको क्या किया, राजा की उपाधि दिया। अच्छा, अब चूंकि थोड़ा सा ये बहुत बड़ा फैक्ट है कि जो ब्रह्म समाज था, जो कि ब्रह्म सभा के नाम से स्थापना हुआ था 1828 में, तो वो आगे चलकर क्या होता, 1866 में दो भागों में विभाजित हो जाता है। देखिए, पहला जो सभा बना है ब्रह्म समाज ही था, ठीक है, लेकिन इसकी अगुवाई किसने किया, इसका किसने किया, केशव चंद्र ने किया। और जो दूसरा आदि ब्रह्म समाज था, उसकी किसने किया, देवेंद्रनाथ टैगोर। अच्छा देखिए, कहीं कहीं देवेंद्रनाथ टैगोर लिखा होता, कहीं देवेंद्रनाथ ठाकुर लिखा होगा, तो आप इसे कंफ्यूज मत होइएगा। अच्छा, ये देवेंद्रनाथ टैगोर है कौन? ये जो रविन्द्रनाथ टैगोर पढ़ते हैं, जो जिनको नोबेल प्राइज मिला, हमने पढ़ा है अपनी पिछली कुछ क्लासेस में 1913 में, ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में इनको, तो उनके पिता कौन है, देवेंद्रनाथ टैगोर है, ठीक है। तो आदि ब्रह्म समाज की जो है अगुवाई किसने किया, देवेंद्रनाथ टैगोर ने, और ब्रह्म समाज कौन था, केशव चंद्र सेन। लेकिन ये बाद में, लेकिन अब स्थापना पेपर में आएगा तो आपको क्या करना है, वही लगाना है, किसने, राजा राममोहन राय ने। चलिए, अब चूंकि ये जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे बात कर लिए, तो इनकी डेथ देख लेते हैं, वो कब हुआ, सितंबर 1933 में, यानी जन्म कब हुआ, 22 मई 1772 में, करीब उम्र कितनी रही, 60 सालों के आसपास इन्होंने जितनी भी बहुत बड़ी उपलब्धि या बहुत ही सुधार जितने कार्यक्रम थे इस दौरान उन्होंने किए। तो आपको ये राजा राममोहन राय जी के बारे में जितने भी फैक्ट थे, ये जानकर कैसा लगा आप जरूर मुझे आपको निराय बताइए। तब तक के लिए शुभ रात्रि, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।